हे फैमिली, वेलकम बैक टू माई अनादर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, आजकल थोड़ा जल्दी उठने लगी हूँ और उठ के सीधा वॉशरूम जाती हूँ, ब्रश करती हूँ, फेस वॉश वगैरह करती हूँ, फिर आके थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। और बाबू अभी सो रहा है तो उसके सो के उठने से पहले मैं अपने आधे काम कर लेती हूँ, जो भी मेरे को करना रहता है, बर्तन मांजना है, सामानों को थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि उसके उठने के बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है तो उसके ऊपर नज़र रखना पड़ता है पूरा। तो जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं दूध पी रही हूँ, अभी दूध गर्म करके उसके बाद मैं अपना बर्तन वगैरह। अब मेरा ये दूध रेडी है। तो मैं सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी वगैरह नहीं पीती, दूध पीती हूँ। बाबू के साथ साथ मैं भी एक गिलास पी लेती हूँ, आजकल वही सब चालू कर दिया है। थोड़ा सा हेल्दी डाइट फॉलो कर रही हूँ तो चाय जैसे मुझे पीना भी रहता है तो मैं ठंड में पीती हूँ। हाय हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी मैं लेके आ गई हूँ, उधर आपको दिखाई नहीं, मैं सोची मोबाइल लेके नहीं गई थी, एचडी बैटरी भी नहीं थी तो मैं लेके आई हूँ। बाबू को कोई चॉकलेट नहीं दिलवाई, कुछ भी नहीं ली, उसके लिए सिर्फ केला ले आई, टमाटर लाई, सर्फ एक्सेल लाई, लौकी लाई। लौकी की सब्जी बनाऊंगी आज मैं। गाइस, अभी मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ, जो कल रात का चावल बचा हुआ था उसमें चावल आटा मिक्स करके मैं रोटी बनाऊंगी। गाकर रोटी या मोटा रोटी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बनता है स्पेशली, और उसको हरी चटनी के साथ खाया जाता है। वो चटनी भी दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ आपको। और कल मैंने बनाया था फरा, आज इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ। उससे क्या होता है, जो बचे हुए चावल होते हैं उनका भी यूज़ हो जाता है और फेंकना भी नहीं पड़ता। चटनी बनाने जा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लिया है, 3 टमाटर ले लिए हैं छोटे छोटे, और एक हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च एक ही लिया है क्योंकि बाबू भी मिर्ची नहीं खाता है, मैं भी नहीं खाती, और साथ में मैं ये लहसुन डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्च कम ले ली क्योंकि लहसुन से भी थोड़ी सी मिर्ची आ जाती है। और ये चटनी इतनी अच्छी होती है ना गाइस कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सो गाइज, इसको मैं डालूंगी इसमें कंटेनर में और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं पीस लेती हूँ। बाबू तो नहीं है, नीचे गया खेलने के लिए, तो मैं अभी खा लेती हूँ, फिर वो आएगा तो खाएगा। तो गाइस, यम्मी भी आ गया यहाँ पे और अब हम लोग ठूसना स्टार्ट करेंगे। अरे इतना टेस्टी लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है। गाइस, ये रोटी गैस में बनी है, बहुत टेस्टी है, लेकिन जो चूल्हे में बनाई जाती है और जो चूल्हे में सेकते हैं ना,
मस्त। और जो चटनी है ना वो सिल पत्थर बोलते हैं ना, उसमें पीसने के बाद और जो चूल्हे की रोटी है वो खाने से इतना बढ़िया टेस्ट आता है यार, मेरी फेवरेट है ये। गैस में थोड़ा सा टेस्ट कम हो जाता है लेकिन वो अलग ही गांव वाली फीलिंग अलग ही हो जाती है। कभी आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये। क्या हुआ मुंह में क्या लगा है? मिट्टी 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 मिर्ची नहीं बेटा, वो धनिया पत्ता है। ले मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है। सो गाइस मेरा सारा काम हो गया, खाना बन गया, सब कुछ हो गया, मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है दही वाली। सो गाइस यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब मैं खाना खाऊंगी, थोड़ा सा आराम करूंगी और उसके बाद वीडियो बनाऊंगी। फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है दो, एक ये है और एक यम्मी पकड़ा है। तो यहाँ पे ये दो पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, इसके पापा ने कुछ ऑर्डर किया था तो वो अभी अपन लोग ओपन करके देखते हैं क्या क्या है। और टोटो लानी भी आई है, देखो देखो। ओके सो ये हेयर ड्रायर है, एक हेयर ड्रायर मंगवाया है इन्होंने, जो उनके बाल नहीं सूखते ना, सुबह 5 बजे से नहा के जाते हैं इसलिए शायद मंगाए होंगे। सही है, मेरे भी काम आ जाएगा। गाइस नोवा का हेयर ड्रायर है ये, और ये ऐसा है, और इसके सामने ये लगाने के लिए दिया हुआ है ऐसा। तो एक ये हेयर ड्रायर है, दूसरा वाला बाबू ओपन कर रहे हैं, क्या है दिखा बेटा। तो गाइस ये दूसरा वाला बॉडी वॉश है, क्योंकि हम लोग को हमेशा बार बार साबुन 10-10, 20-20 रुपए का साबुन लेके आना पड़ता है, तो इन्होंने बॉडी वॉश ऑर्डर किया है। क्या है, शॉपसी है ना, उसमें बहुत सस्ता मिल जाता है इसलिए अपन लोग ऑर्डर कर देते हैं। ये दो वो मिला है जैसा पंप करते हैं ना निकालने के लिए, अच्छा दो बॉटल है इसीलिए, ये बाय वन गेट वन फ्री वाला होगा इसीलिए इन्होंने ऑर्डर किया है। 30 ml का है गाइस, और इसका हम लोग जो ऑनलाइन देखते हैं ना तो पूरी रेटिंग्स वगैरह चेक करके हम लोग मंगाते हैं। तो ये बॉडी वॉश ही है और दो बॉटल है, बाय वन गेट वन फ्री है इसलिए वो दो पंप दिया हुआ है इसमें। तो हम लोग का ये समझ लीजिए महीनों महीनों तक अब साबुन वाबुन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस इसमें एक चीज़ ये है कि इसकी वायर बहुत ही छोटी है, एकदम दीवार से चिपक के करना पड़ेगा। ट्राई करके देखते हैं ऑन है कि नहीं है। रे वाह वाह, अच्छा ये इससे ठंडी हवा आ रही है इस बटन में, मतलब गर्म गर्म हवा नहीं फेंक रहा है। सही है बच्चों के लिए भी, इससे फास्ट हो जा रहे हैं। टोटो भाग गई, रुक जा। ये सेकंड वाले बटन से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? अब ये इसके पापा ही बताएंगे, इससे काम हो रहा है। ये फर्स्ट एक बार दबाने से थोड़ा कम स्पीड में चलता है और सेकंड में इसमें लाने से थोड़ा फास्ट चलता है। ये फर्स्ट में है और ये सेकंड में है। और अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और लव यू, देख के टाटा। अरे ये बाबू काटेगी वो, देखो को देखो। आए, आए।